कच कर रहा है इस चीज़ को। तो फाइनली हमारे फिरोज स्टूडेंट जो कि आपको प्रैक्टिकली पूरा करके दिखाया, आपको अच्छा लगा होगा, और फाइनली ये जा रहे हैं हमारे लैब में, यानी कंप्यूटर लैब उधर चल रहा है जो देख सकते हैं आप, मैं दिखा दूंगा, तो उधर जाके इसको पूरा चालू करेंगे। ठीक है, तो जाइए फिरोज जी। और फिरोज जी के हाथ में देख सकते हैं आप रिमोट है हमारे दोस्तों। ठीक, देखिए अभी हम देखने वाले हैं, लाइव टेस्ट करने वाले हैं कितने दूर से ये हमारा रिमोट सेंस करता है, यानी कितने दूर से हम इस बल्ब को चालू बंद कर सकते हैं। तो फिरोज जी हमारे उस क्लासरूम में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेकिंग क्लासेस, में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली चलिए आज हम सीखने वाले हैं वायरलेस रिमोट कंट्रोल स्विच के बारे में, यानी आप बिस्तर से बैठे बैठे पंखे को चालू बंद कर सकते हैं और बल्ब को आप चालू बंद कर सकते हैं। तो देखिए ये मार्केट में स्विच अवेलेबल है और अमेजन फ्लिपकार्ट पे आपको मिल सकता है। तो फाइनली इसका हम कनेक्शन अभी बताते हैं और फाइनली प्रैक्टिकल भी आपको हम करके दिखाएंगे कि ये इसका कनेक्शन आप घर पे लाके करेंगे कैसे। तो चलिए वीडियो में हम सबसे पहले आपको थ्योरी समझाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली ले चलेंगे। तो देखिए इसके लिए हमारा पीसीबी कंट्रोलर एक आएगा हमारे पास, जो कि उसमें इसके बाद फाइनली आपको एक रिमोट मिलने वाला है इसमें। तो रिमोट में 1, 2, 3, 4 ऑन और ऑफ का दिया होगा। जैसे कि हमारा रिमोट है, रिमोट में छोटा सा सेल लगेगा 1, 2, 3, 4, यानी एक नंबर डालेंगे तो एक नंबर वाला बल्ब चालू होगा, दो नंबर डालेंगे तो दो नंबर, तीन नंबर वाला तीन, और ऑन कर देंगे तो चारों चालू हो जाएगा और ऑफ कर देंगे तो चारों बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें कुछ आपको तीन वायर मिलते हैं। ये हमारा ब्लैक वायर और ये हमारा रेड वायर। तो रेड का मतलब हो गया फेस हमारा और ब्लैक का मतलब हो गया न्यूट्रल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ये वाला कनेक्शन हमारा ब्लैक और रेड, ये वाला ही हमारी मेन एसी सप्लाई, यानी 220 वोल्ट हमारी पीसीबी को मिलने वाली सप्लाई है, जिसको न्यूट्रल और फेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यूट्रल और फेस। इसके बाद देखिए ये सभी उपकरणों का न्यूट्रल हमारा ये ब्लैक वायर है ना, एक यानी दो ब्लैक मिल रहा है, तो एक ब्लैक सभी उपकरणों का न्यूट्रल है। तो इसका डायग्राम आपको कुछ ऐसे मिलेगा, यानी 1, 2, 3, 4 चार वायर आपको मिलेंगे। तो चार वायर में ये फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3, फेस नंबर 4, तो यानी L1, L2, L3, L4, यानी चारों पॉइंट से फेस आउट होगा हमारा। और इसमें मान लो कि आप बल्ब जलाना चाहते हो, इसमें पंखा चलाना चाहते हो, इसमें बल्ब जलाना चाहते हो, तो हमको पता है कि किसी भी जलने और चलने बजने वाले उपकरण को न्यूट्रल फेस चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम फेस सभी बने सभी एक एक वायर से हम फेस को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसे करने से हमारे सभी उपकरणों में फेस मिलने लगा। ठीक है, बचा इसका न्यूट्रल, तो न्यूट्रल सबको हम आपस में क्या कर देंगे, यहां से ये ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल है ना ब्लैक, तो ब्लैक वाला सभी में न्यूट्रल हम शॉर्ट करा देंगे, यानी न्यूट्रल हमारा क्या होगा, देखिए यहां न्यूट्रल मिल गया, यहां मिल गया, यहां मिल गया, और तो हमारे सभी जलने चलने बजने वाले का न्यूट्रल हम डायरेक्ट शॉर्ट करा देते हैं। तो वही हमने क्या किया, न्यूट्रल शॉर्ट करा दिया फेस, यानी L1 पे, यानी 1 पे डाल 1 बटन प्रेस करेंगे तो 1 वाले से फेस आउट होगा, 2 पे करेंगे तो 2 वाले से फेस आउट होगा, 3 पे करेंगे तो 3 वाले से होगा, 4 पे करेंगे तो 4 वाले से फेस आउट होगा, जो कि आप देख सकते हैं ये रिमोट है हमारा। तो रिमोट में जब हम एक नंबर टिपेंगे तो एक नंबर पर फेस जाने लगेगा, और जब इसको बंद कर देंगे इसी से तो फेस ये नहीं जाएगा, इसका मतलब ये बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, चालू और बंद हम यहाँ से रिमोट से कर सकते हैं। यानी हम बिस्तर से सो के कहीं से बैठ के हम क्या कर सकते हैं, ये चार का हम कनेक्शन करके हम बैठे बैठे चालू बंद कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके पीछे एक छोटा सा बैटरी लगेगा जो देख सकते हैं आप, ये हमारी बैटरी है। अगर ये बैटरी काम ना करे तो हमारा ये रिमोट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब देखिए दूसरी चीज़ है कि जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें रेड इंडिकेटर है, ये जलना चाहिए, ये जलेगा तभी हमारा रिमोट काम कर रहा है। तो ये हमारा वायरलेस रिमोट कंट्रोल स्विच था। ठीक है, हम कहीं भी बोर्ड में अपने घर में इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारा एसी सप्लाई 220 वोल्ट हो गया, बाकी ये सबका फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4 और न्यूट्रल सबका डायरेक्ट हो गया। आप कुछ भी इस पर बल्ब हो गया, फैन हो गया आपका, नाइट बल्ब हो गया, लैंप हो गया, आप चला सकते हैं, चला के आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल के ऊपर और देखेंगे पूरा प्रैक्टिकल इसका करके, और देखेंगे यह कितनी दूर से इस रिमोट हमारा क्या हो रहा है, सेंस कर रहा है यानी कैच कर रहा है, कितनी दूर से हम चालू बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम प्रैक्टिकल लाइव देखने वाले हैं। चलिए जो हमारे तो उनका प्रैक्टिकल हमने कंप्लीट करा चुका और ये फाइनली इसको समझ चुके हैं थ्योरी। ठीक है, तो ये अभी प्रैक्टिकल तो कर लेंगे, प्रैक्टिकल कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए,
तो फाइनली फिरोज जी इसका पूरा हमारा कनेक्शन करेंगे, करिए फिरोज। चलिए सारे बल्ब का एक एक न्यूट्रल हम दे देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ये हमारा एक हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, यानी सारे बल्ब का अपने न्यूट्रल डायरेक्ट जोड़ा है। यस सर। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट हैं और इनका ये सर ये चारों बल्ब का एक एक न्यूट्रल हो गया और हमारे चारों बल्ब का एक एक फेस बच रहा है जी। ठीक है सर, तो हम यहाँ से इसको न्यूट्रल हम दे देते हैं, ये इससे हम एक न्यूट्रल इसको यहाँ दे देते हैं सर। ठीक है, ये वाला न्यूट्रल हमारा, इसका न्यूट्रल यहाँ पे चला आया। ठीक है, यानी ये हमारा सिंगल न्यूट्रल सिंगल न्यूट्रल चला गया जी। ये और आप रेड और ब्लैक देख रहे हैं, ये हमारा मेन पॉइंट है, मेन फेस जी, जो ये मेन फेस हो गया। 120 वोल्ट से काम करेगा, उसको हम यहाँ पे दे देते हैं, उसको यहाँ पे हम फेस और न्यूट्रल यहाँ पे हमने दे दिया है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ये हमारा 220 वोल्टेज यहाँ पे हमने इसको दे दिया है और हमारा बच रहा है फेस, जो हम हर बल्ब को एक एक पॉइंट दे सकते हैं, उसको जो हमारा एक चारों बल्ब का एक एक जो पॉइंट बचा हुआ है। ये हमारा एक हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, और ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। तो इतना करने से हमारा ये सारा कनेक्शन हो चुका है और हम 220 वोल्टेज दे सकते हैं सर। देखिए इसको चालू करके चेक कर सकते हैं, हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारा क्लाइमीटर है और यहाँ पे हमने वोल्टेज मल्टीमीटर है, देख सकते हैं हमारे मल्टीमीटर में 200-250 के आसपास वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये सप्लाई हमारी आने वाली वोल्टेज है, ये मल्टीमीटर आप देख सकते हैं 227 वोल्टेज दिखा रहा है। तो अब यहाँ से हम 220 वोल्टेज को दे सकते हैं। रिमोट है, इसमें चारों बल्ब का पॉइंट दिया हुआ है, हमारे ये ऑफ है ये ऑन है, इससे हम ऑफ ऑन कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हम ऑन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको ऑन किया, चारों बल्ब हमारे जल गए। तो यहाँ से फिर हम किसी एक पॉइंट को एक को दाबेंगे तो हमारा एक बल्ब बंद हो जाएगा, दूसरे को दाबेंगे दूसरा बंद हो जाएगा, तीसरे पॉइंट को दाबेंगे तीसरा बंद हो जाएगा, चौथे को दाबेंगे चौथा बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारा बल्ब बंद कर चुका है और फिलहाल इसको हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से फिर हम फर्स्ट दाबेंगे चालू हो जाएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हमारा चारों सिस्टम चालू हो गया। फिर यहाँ से हम ऑफ डायरेक्टली ऑफ कर सकते हैं, देख सकते हैं आप सर, इसको हम देख सकते हैं कि कितना दूरी से इसको हम कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो सर देखते हैं कितना दूर से हमारा ये रिमोट कैच कर रहा है इस चीज़ को। तो फाइनली हमारे फिरोज स्टूडेंट जो कि आपको प्रैक्टिकली पूरा करके दिखाया, आपको अच्छा लगा होगा। और फाइनली ये जा रहे हैं हमारे लैब में, यानी कंप्यूटर लैब उधर चल रहा है जो देख सकते हैं आप, मैं दिखा दूंगा, तो उधर जाके इसको पूरा चालू करेंगे। ठीक है, तो जाइए फिरोज जी, और फिरोज जी के हाथ में देख सकते हैं आप रिमोट है हमारे दोस्तों। ठीक है, देखिए अभी हम देखने वाले हैं, लाइव टेस्ट करने वाले हैं कितने दूर से ये हमारा रिमोट सेंस करता है, यानी कितने दूर से हम इस बल्ब को चालू बंद कर सकते हैं। तो फिरोज जी हमारे उस क्लासरूम में चले गए और ये हमारे सभी उपकरण देखिए चालू हो रहा है, 2-3-4। और देखिए फिरोज हमारे स्टूडेंट वहाँ, थोड़ा और पीछे जाइए, और पीछे जाइए फिरोज, फिर और पीछे जाइए और, हाँ चलिए, तो फिरोज को हम और पीछे भेजें और फाइनली वहाँ से भी चलिए चालू करिए। देखिए उतने दूर से हमारा कैच नहीं कर रहा, थोड़ा सा पास आइए, थोड़ा सा हाँ बटन को प्रेस करते हुए पास आइए आप, जाइए पीछे जाइए, देखिए और जाइए पीछे। अब देखिए फिरोज दिखाई नहीं दे रहा है, चले गए उधर, और ये हमारा बल्ब, ठीक है, तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस ले रहा है ये चालू और बंद होने में। ठीक है, आ जाइए, तो देख सकते हैं आप, आ जाइए फिरोज। तो देखिए फिरोज हमारे उस लैब पे गए थे, वहाँ से बंद करिए, पूरे सिस्टम को बंद करिए, पूरे बल्ब को बंद करिए। ठीक है, यानी काफ़ी लंबा डिस्टेंस ले रहा है।
मान के चलिए हमको लग रहा है 25 से 30 मीटर की दूरी ये कैच कर रहा है, ठीक है। तो 25 से 30 मीटर तक आप क्या कर सकते हैं, इसको जाके हम चालू बंद कर सकते हैं। तो फाइनली देखा आपने, और फाइनली हमारे फिरोज जी से थोड़ा सा रिव्यू लेंगे, कैसा लगा आपको प्रैक्टिकल? सर हमें बहुत अच्छा लगा। कर लेंगे आप? यस सर कर लेंगे। डिवाइस कहीं भी सेटअप कर? यस सर बिल्कुल कर लेंगे। तो फाइनली हमारे ये स्टूडेंट कहाँ से आते हैं? नागरा से आते हैं। तो फाइनली कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिकल हमारा? अच्छा लगा। तो प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर, यानी प्रैक्टिकल हर चीज़ का अवेलेबल है यहाँ पे मिलता है आपको? यस। तो केवल कंप्यूटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो दूर से आपके गांव से देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, घूम रहे, उनको क्या कहेंगे आप? इतना कहना चाहता हूँ कि वो लोग आकर यहाँ पे काम सीखे और काम करे और कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनली हमारे स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार प्रजापति, मैं बेलथरा और बेबीपुर गांव से आता हूँ। तो ये बताइए, कनेक्शन आप कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। कोई दिक्कत होती है प्रैक्टिकल में? नहीं, कोई प्रैक्टिकल में दिक्कत नहीं होती है। मैं जो दूर से देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप यहाँ A1 टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर काम करें। चलिए फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए फाइनली हमारा प्रैक्टिकल था, और ये हमारा जो हेडिंग आप देखते हैं, वायरलेस रिमोट कंट्रोल स्विच के बारे में पढ़े, ताकि आप कहीं से बैठ के उठ ले, सूद के आप किसी बल्ब को चालू, पंखे को बंद कर सकते हैं।